अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप सबको वेलकम करता हूं बदीज वर्ल्ड में। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इनकी सीड मिक्स के बारे में है। सीड मिक्स जैसे मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूं हर मौसम के लिहाज से, लेकिन अब जो सीड मिक्स बताने लगा हूं वो 4-5 महीने आपने रेगुलर इनको देनी है। मई, जून, जुलाई, अगस्त जो बाकी महीने गुजर चुके हैं और अब जो आने वाले महीने हैं इनमें आपने जो सीड देनी है, अगर आपने सीड अभी इस तरह की दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरह की नहीं दी तो काइंडली अपनी सीड चेंज कर लें अगर आप चाहते हैं अपने बर्ड्स को फ्रेश रखना। खैर, जो बात मैं यहाँ पे बताता हूँ वही अपने बर्ड्स को देता हूँ, जो मैं सीड आपको बताता हूँ वो मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। खैर, आप लोगों का सीड मिक्स का बताना था तो समर की सीड मिक्स जो ये जून, जुलाई, अगस्त, जून का महीना चल रहा है, जुलाई, अगस्त, अगले दो महीने भी ये सीड मैं दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो समझ आ जाए तो आप ये सीड दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। खैर, सीड मिक्स में क्या होता है कि काफ़ी लोग समर में आके बाजरा देते हैं, सिर्फ बाजरा पे आ जाते हैं। मैंने भी ये चीज़ ट्राई की, बर्ड्स को सिर्फ बाजरा देने की कोशिश की, बर्ड्स ने बाजरा भी खाया, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब उनके चिक्स पैदा हो जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो बाजरा सिर्फ बाजरा उनके लिए पूरा नहीं होता, एक जैसे कहते हैं कम्प्लीट डाइट नहीं होती, तो आपने को उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो डाइट एक इस तरह की बनाई हुई है मैंने कि मेरे बर्ड बाजरा शौक से भी खाते हैं और उनके चिक्स जो हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। साथ सॉफ्ट फूड का शुरू से बोलता आया हूँ कि आप इस्तेमाल लाजमी रखें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी सॉफ्ट फूड पे होगी, पहले से बता देता हूँ आपको, और वो वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि जिनके भाइयों के चिक्स निकले हुए हैं और जिन्होंने आपके बर्ड्स ने फर्स्ट ब्रीड किए तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। खैर, टॉपिक पे आते हैं तो अगर आप मेरा बाजरा देखें तो आपको इसमें बाजरा, कंगनी और जई, ये तीन चीज़ें मिल रही होंगी। आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपली बाजरा जो आप लेके आते हैं, मैं शुरू से बताता आया हूँ, बाजरा कभी भी मोटा वाला ना लें। बाजरा आता है 45 रुपये का मिलता है यहाँ पे, यहाँ 50 रुपये का मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, बारीक बाजरा होता है, बिल्कुल बारीक, कंगनी से भी बारीक बाजरा होता है ये अगर आप देखें, कंगनी मोटी है, बाजरा तब भी बारीक है। तो इस तरह का बाजरा बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं, अगर सिर्फ बाजरा इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो भी करवाएं, साथ मल्टीविटामिन्स ले लें। अगर लेकिन अगर आप ये वाली सीड मिक्स करवाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ब्रीडिंग में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब काफ़ी हज़रात यहाँ पे बोलेंगे कि ब्रीडिंग में इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, हम लोग सालों से बाजरा दे रहे हैं और हमारे बर्ड्स अभी भी माशाल्लाह से 7-8 अंडे देते हैं। तो उन हज़रात से, उन भाइयों से ये बात करनी है कि सबके बजीज़ एक जैसे नहीं होते, मेरे बर्ड्स भी हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा सा इन पर खर्चा करना पड़ता है। मैं शौकिया हूँ तो मैंने इतना रखा हुआ है, तो आप लोग अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आपको भी ख्याल रखना चाहिए। खैर, कंगनी जो होती है इसका जो प्रॉपर्टी है कंगनी की, वो ये है कि ये बाजरे से ज़्यादा हल्की होती है, डाइजेस्ट इजीली हो जाती है, आपके चिक्स को हज़म करने में आसानी होती है। सेकेंडली, आपके बर्ड्स को जो है मिक्स सीड मिलती है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर, आपने करना क्या है, आपने 4 किलो बाजरा लेना है। अगर आप 4 या 5 किलो बाजरा, मेरा 5 किलो बाजरा आता है, तो आपने 5 किलो बाजरा लेना है, 15 दिन चलाएं, महीना चलाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा तकरीबन ये हाफ मंथ का बाजरा जो है वो आता है कुछ 5 किलो के हिसाब से। तो 5 किलो बाजरा बारीक लेना है, उसके साथ आपने मोटी कंगनी डालनी है। अच्छा, मोटी कंगनी जो है उसकी तादाद आपने रखनी है 1 किलो। अगर आप देखें तो 4 किलो बाजरे में 1 किलो मोटी कंगनी, इस दफ़ा 5 किलो बाजरा था तो 1.5 किलो मैंने मोटी कंगनी रखवाई है, और साथ आपने 0.5 किलो इसमें जई डलवा देनी है। जई चावल होते हैं, कच्चे चावल, तो ये आपने इसकी तादाद रखवा देनी है। ये जो तीन चीज़ें अगर आप मिक्स करवाएंगे, आप रेशियो अपना ख़ुद बना लें। अगर आपने 1 किलो बाजरा लिया है तो आप 1 किलो में 1.5 पाव कंगनी और 5 या 10 रुपये के जई डलवा लें तो आपके जो बर्ड्स हैं उनका एक अच्छा सा बेहतरीन सा सीड मिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप 5 किलो बाजरा बनवा रहे हैं तो उसमें आपने 1 से 1.5 किलो कंगनी मोटी वाली डलवानी है और साथ जई डलवा देनी है। तो इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं, एक तो शौक से खाएंगे, सेकेंडली ये कि आपको ब्रीड में रिज़ल्ट इनका अच्छा मिलेगा। रिज़ल्ट इस तरह अच्छा मिलता है कि बर्ड जब आपका अच्छी डाइट लेता है, इन करता है, तो वो आगे जो उसकी फर्टिलिटी होती है मेल की और जो फीमेल के एग्स देने की तादाद होती है उसमें काफ़ी फ़र्क आता है। तो आप लोगों को एक राज मैंने बता दिया, काफ़ी लोग पूछते हैं कि बर्ड्स की फर्टिलिटी और बर्ड्स का जो एग्स मेरे माशाल्लाह जो बर्ड्स देते हैं तो उसका राज क्या, तो एक छोटी सी टिप ये भी है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सॉफ्ट फूड की तो वो लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह उसमें बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें बजीज वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।